आज मैं प्रश्नावली 9.1 का 6 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल गया है। तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमारा पहले लड़का यहाँ खड़ा था, फिर आगे बढ़ा, तो पहले 30 डिग्री मतलब भवन से था उन्नयन कोण, अब 60 हो गया। तो हमें बताना है कि कितनी दूरी चला, मतलब ये एक्स का मान। तो इसको कैसे निकालेंगे? पहले पहले हमें ये दिया है 30 मीटर, ठीक। तो पहले ये वाली निकाल लेंगे, इतनी ये एंगल निकालेंगे, फिर ये एंगल निकालेंगे, तभी तो एक्स का मान निकलेगा। तो पहले इतना डिवाइड हटा दें, हटाइए, हमारा क्वेश्चन में दिया है 1.5 मीटर, मतलब लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर, 30 में से 1.5 घटा देंगे, तभी तो ये इतने पर इतना पता चलेगा हमें। तो करते हैं फिर। तो हमारा कितना ई डी बराबर हमारा हो जाएगा 30 माइनस 1.5, तो ई डी बराबर बचेगा हमारा 8.5। ये हो गया। अब ये एंगल, इस एंगल में हमें निकालना है। तो हमारा निकालना क्या है, हमें ये निकालना है। तो इतना हमारे पास क्या है, ये हमारा लंब बट्टे में हमारा आधार। तो इसमें ये फॉर्मूला का यूज़ होगा हमारा, ये हमने लिख लिया है। तो लंब बट्टे आधार हमारा क्या 10 होता है, तो 10 बराबर 10 हो जाएगा हमारा, 10 थीटा, 10 थीटा हो जाएगा। अब निकालना क्या हमें, तो लंब दिया हमें, ये हो गया हमारा 8.5, और जी डी निकालना है, और 10 थीटा बराबर हमारा होता है फॉर्म 10, और थीटा बराबर हमारा 60 है, तो 2.8 जी डी बराबर 60, 10 10 60 का मान हमारा √3 होता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा जी डी, ये हमारा इधर जाएगा, इधर आएगा, फिर ये गुणे में हो जाएगा, तो फिर डिवाइड में आएगा, तो हमारा हो जाएगा 8.5 में √3। ये हमारा इतना हो गया, जी डी का मान हमारा निकल आया। अब जब जी डी का निकल आया, तो फिर अब इसका निकालना पड़ेगा हमें टोटल का। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल में हमारा लेंगे लम, तो हमारा यही होगा, ये लम तो हमारा ये होगा, और ये लेंगे तो हमारा हो जाएगा एफ डी। तो एफ डी हमारा क्या आधार है, बराबर इसमें भी 10 थीटा ही रहेगा। अब ये हमारा इतना मान क्या है, हमारा दिया है लम, दिया है हमारा 28.5, और आधार अब हमें ये भी पता है, तो ये इतना पता है, और इसको प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28.5 √3 प्लस एक्स बराबर हमारा इधर हो जाएगा 10 30, ये हमारा हो गया 10 30। अब इसको इधर नीचे एलसीएम ले लेंगे, और इधर 10 30 का मान रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे 2.5.8 √3, और ऊपर हो जाएगा प्लस का एक्स √3 बराबर में 10 30 का मान हमारा 1/√3 हो गया। अब ये उल्टा हो जाएगा, तो हमारा √3 ऊपर हो जाएगा, तो 8.5, ये हमारा डिवाइड में तो उधर हो जाएगा गुणे में, तो हमारा हो जाएगा √3 अपॉन में हमारा रहेगा 8.5 प्लस एक्स √3, और इधर हमारा √3 रहेगा। तो हमारा अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा 8.5 √3 से √3 कट जाएगा, तो हमारा 3 बचेगा, बराबर में हमारा आ जाए 8.5
फाइव इधर प्लस एक्स रूट थ्री। अब इसको इधर लाएंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे एट पाँच या पंद्रह पॉइंट आठ चौबीस पच्चीस और छः दो आठ, यह हो गया हमारा पच्चीस पॉइंट। और फिर माइनस करेंगे अट्ठाईस पॉइंट फाइव, तो एक इधर बचेगा हमारा ये, ठीक। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे जीरो हो जाएगा और एक हाथ से लिया पंद्रह, तो इधर बचेगा हमारा सात और यहाँ पे हो जाए सात में से दो जाएगा तो बचेगा पाँच, यहाँ पे जीरो लगा है पॉइंट, ये सिर्फ सत्तावन बचेगा और एक्स इधर बचेगा हमारा रूट थ्री। तो अब रूट थ्री इधर लाएंगे तो सत्तावन पॉन में रूट थ्री हो जाएगा। अब इसके इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ऊपर तो हमारा सत्तावन रूट थ्री हो जाएगा, नीचे हमारा थ्री हो जाएगा, अब कट जाएगा ये, तो हमारा तीन तीन एकम तीन और दो बचा तीन नौ सत्ताईस, तो हमारा उन्नीस रूट में थ्री, ये हमारा एक्स बराबर मतलब कि इतनी दूरी इतनी दूरी चला है तभी हमारा 30 से 60 डिग्री हो गई हमारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको आने वाली वीडियो मिल सके।